नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यह टॉपिक क्लास 11 के भौतिक भूगोल के सिद्धांतों में है और रीट के सिलेबस में भी इस टॉपिक को शामिल किया गया है। तो ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रा ध्यान से देखें और समझें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें किन साक्ष्यों से पता चलता है, कौन से स्रोतों से पता चलता है। आज हम बात करते हैं उन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमने उसमें यह बात की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक साक्ष्य हमें भूकंप के माध्यम से प्राप्त होते हैं। भूकंप की जो अस्तरंग है, भूकंप की अस्तरंग जो केवल ठोस में गमन करती है, उसके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं कि भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें विभिन्न वृत्तों के माध्यम से समझेंगे। एक, दो, तीन, चार, सबसे ऊपर जो है, ऊपर ही ऊपर भू प्रॉपर्टी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि भंगुर चट्टानों से बनी हुई है। भंगुर का अर्थ होता है जल्द टूटने वाली, जिनमें विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती हो, इस प्रकार की चट्टानों से यह प्रॉपर्टी बनी होती है। इसकी जो गहराई है वो है 200 किलोमीटर तक। भू प्रॉपर्टी की जो गहराई है वो कितनी है, 200 किलोमीटर आंतरिक भाग तक है। यह महाद्वीपों के नीचे अधिक गहरी व महासागरों के नीचे इसकी गहराई कम पाई जाती है। दूसरी परत जो है वो है ऊपरी मेंटल, इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल, यह मैग्मा का विशाल भंडार है। इसमें मैग्मा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मैग्मा द्रव अवस्था में, इसका मतलब यह परत कैसी हो गई, द्रव अवस्था वाली होगी। और इसकी गहराई के अलग अलग मत हैं। पहले इसकी गहराई 400 किलोमीटर तक मानी जाती थी, फिर 700, और जो अभिनव मत है उसके अनुसार इसकी गहराई जो है वो 1000 किलोमीटर तक है। अभिनव मत के अनुसार, नवीनतम जो मत दिया गया है उसके अनुसार इसकी गहराई कितनी है, 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसमें मैग्मा के भंडार पाए जाते हैं तथा पृथ्वी की जितनी भी आंतरिक प्लेटें हैं वो इसी मंडल में गमन करती हैं। तो ये भाग कैसा है, द्रव अवस्था वाला है। नंबर तीन, मेंटल। तीसरी परत जो है वो है मेंटल। इसकी गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर। और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है तथा इसका जो घनत्व है वो 5.5 से 10.5 है। फिर आगे देखिए, इससे अगली जो परत है वो है बाह्य क्रोड। क्रोड का मतलब होता है एक उलझी हुई सी संरचना, और वैसे ही है पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र के दो भाग हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य क्रोड ये अपने ऊपर अत्यधिक दबाव की वजह से और भारी पदार्थों की वजह से इसका घनत्व अधिक पाया जाता है और ये
ठोस अवस्था में पाई, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाह्य क्रोड जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है अत्यधिक ताप की वजह से। उसका घनत्व अधिक है लेकिन अवस्था कैसी है? द्रव अवस्था है। ये इसलिए माना गया है क्योंकि भूकंप की अस तरंगे जो है वो इस क्षेत्र में अभिलेखित नहीं होती है। और हमने पीछे बात की थी कि भूकंप की अस तरंगे केवल ठोस पदार्थों में ही गमन करती है, इसलिए इस क्षेत्र में वे प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए वैज्ञानिक इस भाग को, पृथ्वी के इस आंतरिक भाग को द्रव अवस्था का मानते हैं। अंतिम जो है वो है आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड की गहराई जो है वो 5150 किलोमीटर है तथा इसका जो घनत्व है वो है लगभग 10.5 से लेकर 13.3, 10.5 से लेकर 13.3 तक इसका घनत्व पाया जाता है। अगली जो है आंतरिक क्रोड, यह पृथ्वी की सबसे अंतिम परत है जो इसके केंद्र तक स्थित है और इसकी गहराई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, 6371। ये भूमध्य रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों पर कम होती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी जो है वो उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों पर पृथ्वी जो है वो दबी हुई है। यह प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है या ज़्यादा, तो कितनी होगी? कम होगी क्योंकि वह क्या है, चपटी है, और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर वो उभरी हुई है। तो 6371, कई किताबों में इसके अलग अलग रूप भी मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे 6370 मानते हैं तो कुछ 6378 भी मानते हैं तो कुछ 6376 भी मानते हैं, अलग अलग मत हैं। इसलिए अगर कंपटीशन में इनमें से कोई एक आपको चारों ऑप्शन में मिले तो उसे आप सही कर दें, इसमें कोई विवाद वाला विषय ना रखें क्योंकि अलग अलग किताबों में ये चार प्रकार की हमें पृथ्वी की त्रिज्याएँ पढ़ने को मिलती हैं। इसका घनत्व जो है वो सर्वाधिक है 13.6, इसका घनत्व 13.6 है, अत्यधिक घनत्व है और तापमान भी बहुत अधिक है। अब तापमान अधिक होने की वजह से यह भाग भी कैसा होना चाहिए था? द्रव अवस्था वाला होना चाहिए था लेकिन यह द्रव अवस्था में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीन प्रकार के पदार्थों के प्रारूप पाए जाते हैं, ठोस, द्रव व गैस। इनकी अणु संरचना की जब बात करें तो ठोस के अणु जो है वो एकदम पास पास सटे हुए होते हैं, द्रव इसके अणु जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए हुए होते हैं और गैस इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इस आधार पर इनके अणु संरचना मानी गई है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपर के भागों से जो दबाव पड़ता है वो बहुत अधिक होता है क्योंकि ऊपर के पदार्थ नीचे के पदार्थ जब अपना वजन रखेंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा। तो ये तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है और ये मुख्य रूप से लोहे से बना हुआ है। इससे बना हुआ है लोहे से, अर्थात भारी पदार्थ है, सबसे भारी पदार्थ भी यहाँ पर है और इन सब का दबाव इस पदार्थ पर पड़ रहा है। तो तापमान अधिक है, घनत्व भी अधिक है लेकिन ये भाग द्रव अवस्था में नहीं है। इसका कारण है कि ऊपरी दबाव की वजह से पदार्थ के अणुओं को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती और पदार्थ के अणु फैलेंगे नहीं तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए वह ठोस अवस्था में रह जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर इसमें पाया जाता है कि यह भाग जो है वो एकदम कठोर ठोस अवस्था में नहीं है, ये जेलीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? जेलीय, छोटे बच्चे कहते हैं ना वो जेली चॉकलेट, तो उस प्रकार की जेली का स्वरूप इस परत में वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसका आधार है भूकंप विज्ञान। भूकंप की जो अस तरंग है
उसके गमन मार्ग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक इसकी बात करते हैं। अब एक बार सारांश में वापस देख लेते हैं। सबसे ऊपरी परत भूपापैटी, जिसकी गहराई 200 किलोमीटर तथा घनत्व जो है वो 3 है। घनत्व कितना है? 3। दूसरी ऊपरी मेंटल या दुर्बलता मंडल, इसकी गहराई नवीनतम मतों के अनुसार 1000 किलोमीटर है। 200 से नीचे 1000 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। उससे नीचे आंतरिक मेंटल, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है तथा इसका घनत्व 5.5 से 10.5 तक है। उसके बाद बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड का जो घनत्व है वो 10.5 से 13.3 तक है और इसकी गहराई जो है वो 5150 किलोमीटर है। अंतिम आंतरिक क्रोड, इसका घनत्व 13.6 तथा इसकी गहराई जो है वो 6371 है। ध्रुवों पर यह गहराई कम पाई जाती है और भूमध्य रेखा पर यह गहराई अधिक पाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।